शाह हम अगले हफ्ते दिवाली भी है और मेरे पापा पता है क्या लेके देने वाले हैं? साइकिल, पटाखे और नए कपड़े भी ले देने वाले हैं। तू क्या लेगा? तू क्या लेगा? मेरे भी भैया ने मुझे कपड़े और पटाखे वगैरह लेके देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। चल बाय। दो महीने बोलकर पैसे लिया था तूने, आज चार महीने हो गए, पिछले महीने का ब्याज भी नहीं आया है। अब ब्याज और मुद्दल एक साथ लेके जाऊंगा आज। भाई माफ कर दो यार भाई, इस बार मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा भाई। मुझे मेरे पूरे पैसे आज ही चाहिए भाई। ए, उठा रहे सामान उठा। भाई इस बार माफ कर दो, मैं आपके पूरे पैसे लौटा दूंगा, थोड़ी सी मोहलत दे दो मुझे, बस थोड़ी सी मोहलत। चल एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ, लेकिन एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वो भी ब्याज के साथ। ये चल रहे छोटे। अरे भैया अगले हफ्ते दिवाली आ रही है, मेरे सारे बने कपड़े ले रहे हैं और पटाखे ले रहे हैं, मुझे भी होना था। यार अगले हफ्ते ही दिवाली है, दादा को भी पैसे देना है, सब कैसे एडजस्ट करूंगा भैया? हाँ मुझे भी होना था। हाँ ठीक है ना, ले देंगे ना, उसमें कोई बड़ी बात है। ठीक है जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ। पक्का ना भैया? हाँ। और भाई अभी आजकल बड़ा ओवर टाइम कर रहा है। शादी वादी कर रहा हूँ अभी, इसलिए ओवर टाइम कर रहा। अरे यार नहीं यार भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, वो दिवाली आ रही है ना, छोटे भाई की जीत है, कपड़े वगैरह चाहिए करके, इसलिए ओवर टाइम कर रहा हूँ, और कोई बात। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी जोत सही पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर, गिरते गिरते संभलता है, समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। सेठ जी मुझे पैसे चाहिए थे, आज जल्दी घर जाना है, दिवाली है ना। कितने पैसे चाहिए? पूरा पेमेंट, ओवर टाइम के भी पैसे। इधर ही पेमेंट, इधर ओवर टाइम। ठीक है सर जी, बाहर जाना था, आपकी गाड़ी की चाबी मिलेंगी? वो जो गाड़ी का काम खत्म करके वो लेकर चलेगा। ठीक है, तो इसकी चाबी। चलो सबसे पहले दादा के पैसे दे देता हूँ। चलो दादा के पैसे देके हो गए, अब बस छोटू के लिए कपड़े और फटाके लेना है और जल्दी से घर निकलना है। भाई मैं हाथ में फटाके फोड़ सकता हूँ, देख फोड़ के देगा बड़ा। अबे मेरी आदत मत तोड़ बोल दे। अबे यार देख। क्या हुआ घनश्याम, पटाखे किटाखे नहीं फूट रहा क्या? अरे मेरे भैया आ रहे हैं पटाखे वगैरह लेके। और क्या तूने नए कपड़े भी नहीं पहना है? अरे मेरे भैया पटाखे और कपड़े दोनों लेके आ रहे हैं, बस अभी आते ही होंगे थोड़े। नहीं तब तक क्या हमारी तरफ से? अरे नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ ना भैया आ रहे हैं, मेरे ठीक है पटाखे और कपड़े लेके।
आज इसकी एक छोटी सी गलती के कारण एक गरीब के यहाँ का दिया नहीं जलेगा। प्लीज़ दोस्तों, हाथ में पटाखे कोई भी ना फोड़े। जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, उनमें से अगर आधे भी लोगों ने इस मैसेज को फॉलो कर दिया ना, तो मुझे लगेगा कि मेरे वीडियो बनाने का मकसद कामयाब हुआ। और प्लीज़ दोस्तों, दिवाली तक ये मैसेज हर किसी के पास पहुँचा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी गरीब के आकर दिया बुझे। शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।